हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार जो आपका खुद का चैनल है, में आपका स्वागत है। आज शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। डेट फ्री स्टॉक है, बहुत अच्छा स्टॉक है, एज वेल एज जो उसमें चांसेस है आपको बहुत, मतलब 20-30% के चांसेस है, परसेंट के प्रॉफिट आपको बहुत जल्दी मिल सकते हैं। तो एक बेहतरीन कंपनी, उसका बिजनेस मॉडल क्या है वो समझेंगे, एज वेल एज उसकी बैलेंस शीट देखेंगे, डेट फ्री स्टॉक है वो सब चीज़ हम जानेंगे। बट बिफोर दैट, उससे पहले आगे बढ़े, मैं आपसे चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि इस तरीके की वीडियो आपके पास मैं लाता रहूँ। एज वेल एज आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा, जो कि अगर आपका नहीं है तो। और यहाँ पर फ्री आपका डी ओपनिंग चार्जेस देखिए फ्री है, जीरो डिलीवरी चार्जेस है, एंजल ब्रोकिंग के साथ सेबी की रजिस्टर्ड नंबर वन और ब्रोकिंग फर्म है, तो आप यहाँ पर जाके अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो जिस शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं, तो पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। शेयर 579 रुपीज़ का प्राइस है, लगभग 0.47% की गिरावट लास्ट सेशन में, इस सेशन में देखी गई है। अगर हम बात करें यहाँ पर वन डे का चार्ट पैटर्न, जो कि आपको साफ दिखाई दे रहा है, 5 डेज़ का चार्ट पैटर्न अगर हम देखते हैं तो देखिए पॉजिटिव है। 1 मंथ का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो भी पॉजिटिव है। 6 मंथ का चार्ट पैटर्न देखते हैं, देखिए कंपनी ने क्या गजब के प्रॉफिट दी है। ईयर टिल डेट का देखते हैं तो देखिए यहाँ पर, और अगर हम 1 ईयर की बात करते हैं तो यहाँ पर सारी जो रूपरेखा है यहाँ पर से समझ में आ जाएगी। देखिए लगभग 52 वीक हाई की अगर बात करें ना, 816 रुपये, 820 रुपये के आसपास ये शेयर हुआ करता था, और इससे गिर के लगभग कितना गया ये शेयर, ये अगर बात करें तो लगभग 400 रुपये के आसपास आया था। और अभी भी एक शेयर देखिए ज़्यादा रिकवर नहीं हुआ है, लगभग 42% ही यहाँ से रिकवर हो पाया। बट अगर हम मैक्सिमम से देखें, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ओके, अगर यहाँ मैक्सिमम से हम अगर देखते हैं ना, तो ये शेयर अभी भी 25-30% यहाँ पर गिरा हुआ है। ओके, और अच्छी कंपनी का गिरा रहना ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। और जब जब मार्केट पूरे हाई पर है, जहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स, अगर मैं आपको दिखा दूँ तो फॉरेन इन्वेस्टर डेली के डेली खरीदारी कर रहे हैं। लास्ट सेशन में भी अगर हम देखेंगे कल के दिन, तो लगभग 6,029 रुपये का, ओके, 6,029 करोड़ रुपीस का यहाँ पर देखिए यहाँ पर बाइंग होती हुई दिखाई दी है। DIS ने ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर बेचना शुरू कर दिया, लगभग 2372.54 करोड़ रुपीस का यहाँ पर इन्होंने बेचा है, तो फॉरेन इन्वेस्टर ने डाला है। और जब तक फॉरेन इन्वेस्टर डालते रहेंगे तो कंपनीज भागती रहेंगी, सारी की सारी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। और जिस कंपनी से रिलेटेड मैं बातें कर रहा हूँ, देखिए उसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न सबसे पहले मेन रखता है, क्यों मेन रहता है, क्योंकि जो ये कंपनीज होती है ना, अगर बॉटम से टॉप की तरफ जाती है, मतलब जैसे कि हम देख रहे हैं ऊपर की तरफ जाए जा रही है, जाए जा रही है, तो ऐसी कंपनी में ही हमें पैसा लगाना होता है, क्योंकि हमें उनका पास्ट हमारे सामने, और कंपनी को लिस्ट हुए कोई 12-13 साल हो चुके हैं, तो आप इसकी तरफ देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर अगर वॉलेटिलिटी की बात की जाए तो कंपनी वॉलेटाइल भी है, और क्योंकि छोटी ही कंपनी है। तो मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ, कहना मैं सिंपल ये चाहता हूँ कि अभी भी आपको देखिए यहाँ पर अपने 52 वीक हाई से काफ़ी कम है, और आपको 25-30% के रिटर्न्स आपको मिल जाएंगे। और ऐसी ही कंपनी हमें ढूंढनी होती है कि जिसके हमें छोटी के, मतलब 52 वीक के लो से कम हो, मतलब उसका प्राइस, तो हम उसमें इन्वेस्ट कर सके, ताकि हमें जो 20-30% के जो प्रॉफिट हम चाहते हैं कि ईयरली हमें मिल जाए, तो ऐसे प्रॉफिट हमें मिल जाए, हम कंपनी से इतने परसेंट के रिटर्न्स ले, और ताकि और वहाँ से एग्जिट हो जाए। और अगर हमें इन्वेस्टमेंट का जो बड़ा पोर्टफोलियो बनाना है, उसके लिए तो आपको पता ही है निफ्टी 50 के चुनिंदा स्टॉक्स है, जो बेहतरीन स्टॉक्स है, IT स्टॉक्स हो गए, FMCG के स्टॉक्स हो गए, जैसे मैंने वीडियो बनाई, तो वहाँ पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर हम इस कुछ रूपरेखा देखें, 280 रुपये का 26 मई को हुआ करता था, 816 रुपये का 7 फरवरी 2020 को हुआ करता था 52 वीक हाई, और लगभग 45% की, देखिए 45% की डिलीवरी यहाँ उठाती हुई हमें दिखाई दी है। कंपनी इन्फॉर्मेशन की बात करें, प्रमोटर्स का 68.53% के शेयर है, और पब्लिक के बाद 31.47, और FIS ने तो यहाँ भर भर के ले रखे हैं। और डिविडेंड की बात की जाए तो कंपनी देखिए डिविडेंड भी देती आई है, और 2017 में यहाँ पर देखिए स्टॉक स्प्लिट भी हुआ है, 10 की फेस वैल्यू का 2 की फेस वैल्यू पर यहाँ पर स्प्लिट होता हुआ नजर आया है, तो जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और कोई भी शेयर यहाँ पर गिर भी नहीं है, जो कि इस कंपनी की खास बात है।
अगर हम मैं आपको बता दूं अगर कौन सी कंपनी है तो आप देख लीजिए, कंपनी का नाम है, पहले तो मैं यही दिखा देता हूँ आपको, कंपनी का नाम है नेस्को लिमिटेड। नेस्को लिमिटेड करती क्या है तो देखिए, इनका जो इनका बिजनेस है ना वो बिजनेस है एग्जीबिशन का। एग्जीबिशन तो आपको पता ही होगा, अलग अलग चीज़ों का जो एग्जीबिशन लगाते हैं। MICE का बिजनेस है, एज वेल एज इवेंट्स वगैरह होते हैं उसमें एक कंपनी काम करती है, हॉस्पिटैलिटी में एक कंपनी काम करती है, रियल इस्टेट में एक कंपनी काम करती है, ओके, इंजीनियरिंग में एक कंपनी काम करती है। तो इनका जो पोर्टफोलियो है बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, इनका जो बिजनेस है बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, तो ऐसी ही कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना होता है। और अगर हम बात करें मार्केट कैपिटल और सब चीज़ की, यहाँ पर भी आप एक बार देख लीजिए, नेस्को इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ लाइसेंसिंग प्रीमाइसेस इन IT पार्क बिल्डिंग। तो IT पार्क की जो बिल्डिंग्स बनी होती है बड़ी बड़ी, उसमें ये लाइसेंसिंग की देता है, एज वेल एज बिजनेस ऑफ लाइसेंस एंड प्रोवाइडिंग रिलेटेड सर्विसेज, उसी से रिलेटेड सर्विसेज को भी प्रोवाइड करता है। तो लाइसेंसिंग प्रीमाइसेस फॉर एग्जीबिशन, ओके, और जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एग्जीबिशन सर्विसेज और टू द ऑर्गेनाइजर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मशीन्स कैपिटल इक्विपमेंट एंड प्रोवाइड हॉस्पिटैलिटी एंड कैटरिंग सर्विस। तो ये अलग अलग बिजनेस में ये काम कंपनी एक्चुअली काम करती है। कंपनी स्मॉल कैप है, मार्केट कैपिटल 4072 करोड़ रुपीज़ का है। पी की रेशियो की बात की जाए, जहाँ पर पी रेशियो मार्केट का 38 के लगभग चल रहा है, 37-38, यहाँ पी लगभग 19 के आसपास ही है। और ROCE की अगर बात की जाए तो 23.6% है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर हम बात करें यहाँ पर रिजल्ट्स की, तो यहाँ पर सेल्स देख लीजिए, क्वार्टरली रिजल्ट्स 2017 दिसंबर में 81 करोड़ रुपीस के होते थे, जो कि अभी यहाँ पर हमें जो ये क्वार्टर है जुलाई और सितंबर, यहाँ पर गिरावट होती हुई नज़र आई है साफ, जो कि आप देख सकते हैं। बट एज सुन एज द लॉकडाउन विल ओवर, ओके, और कोरोना की संकट सारा खत्म हो जाएगा, तो यही स्टॉक आपको दोबारा अपने बिजनेस में लौटता हुआ नज़र आएगा, और आपको इस तरीके के बेहतरीन आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी और बेहतरीन रिटर्न देता हुआ मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी जैसे कि इनका काम ही बिजनेस IT पार्क से रिलेटेड, और आपको पता ही है सारे के सारे ऑफिस शट डाउन है, दे आर वर्किंग फ्रॉम द होम ओनली, तो इस वजह से ये सेल्स में यहाँ पर गिरावट आपको होती ही नज़र आई है। बट जैसे ही फुल ऑन फाइनल फुल स्पीड से बिजनेस शुरू होगा तो आपको प्रॉफिट खुद नज़र आता हुआ दिखाई देगा। नेट प्रॉफिट अगर देखें तो यहाँ पर 32 करोड़ रुपीज़ का अभी भी प्रॉफिट में कंपनीज है। अगर प्रॉफिट और लॉस की बात की जाए तो ईयरली बेसिस पे, तो यहाँ सेल्स देखिए, सेल्स बढ़ती हुई 85 करोड़ रुपीज़ के सेल्स मार्च में लगभग 432 करोड़ रुपीज़ के थे, और पिछले 12 महीने में 366 करोड़ रुपए के प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं, लगभग हर साल में ज़्यादा ही हुए हैं, बढ़ती जा रही है, मतलब प्रॉफिट भी 234 करोड़ रुपीज़ को, और अभी 12 महीने में 206 करोड़। और यहाँ पर इम्पैक्ट क्या हुआ है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बैलेंस शीट काफ़ी अट्रैक्टिव है, क्यों? क्योंकि डेट फ्री कंपनी है। देखिए यहाँ पर बोरिंग देखिए जो कि 0 है। रिजर्व्स की बात की जाए तो रिजर्व्स काफ़ी बेहतरीन है, 1424 करोड़ रुपए के रिजर्व्स है। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो 741 करोड़ रुपए के यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कंपनी ने कर रखा है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात की जाए तो 9 करोड़ रुपए का इनके पास कैश भी है हाथ में, और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की बात की जाए तो 209 करोड़ रुपये का इनके पास कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग सेम है, ओके, या बल्कि आप कह सकते हैं प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी थोड़ी सी यहाँ पर स्लाइटली बढ़ते हुए हर क्वार्टर में दिखाई दी है, क्योंकि उन्हें पता है कि इनकी कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है और किस तरीके का मॉडल है। और फॉरेन इन्वेस्टर आप देख सकते हैं 2.28 की यहाँ पर हिस्सेदारी है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स में देखिए, यहाँ पर फ्रैंकलिन ने लगभग 4% की हिस्सेदारी ले रखी है, और अलग 5.36% की पब्लिक के पास 23.82% की हिस्सेदारी है। इसमें भी देखिए यहाँ पर इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन यहाँ पर 1.13% की हिस्सेदारी रखता है। तो बैलेंस शीट लाजवाब है, ओके, बिजनेस मॉडल डाइवर्सिफाइड है, एज वेल एज कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी देती आ रही है। लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर कोरोना की वजह से बिजनेस में इम्पैक्ट डेफिनेटली हुआ है, बट अभी भी आपके पास चांसेस है, और बहुत अच्छे पीई पे, 19 के पीई पे ये कंपनी मिल रही है, और 19 के पीई पे ऑब्वियसली बात है खरीदना होता है ना कि बेचना होता है, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 25-30% के आपको प्रॉफिट होता हुआ साफ नज़र आ सकता है आने वाले टाइम में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करेगा, और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और ख़ुद की स्टडी डेफिनेटली कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो केवल नॉलेज पर्पज से है, एज वेल एज नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे तो फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है। तो बहुत सा फाइनेंशियल बजट जो आपका खुद का चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि और भी बेहतरीन वीडियो मैं आपके पास लाता रहूँ। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।